गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइफ प्रोसेस क्लास 10th NCERT। बेटा हम आपको NCERT का फुल डिटेल दे रहे हैं, क्वेश्चन भी आंसर भी, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स होने ही नहीं वाली है। यहाँ तक कि मैं एक्टिविटी के प्रश्नों को भी आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो आप मेरा एक ये छोटा सा प्रयास आपके लिए हो सकता है कि बहुत ही आप बेटर कर पाएँ, तो इसके लिए प्रिय बच्चों आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि बच्चों संख्या पर्याप्त हो जाए और हमें भी आपका एक छोटा सा ये कार्य मोटिवेट होने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट में अभी हाँ अभी तक हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन इन रिस्पायरेशन से रिलेटेड वीडियो लेक्चर से आगे हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों मैं आपको एक कोटेशन बोलना चाहता हूँ कि द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। बेटा महान कार्य करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप जो भी करो उसे दिल से करो, ठीक बेटा। बस जो भी करना उसे अपना मन लगा के दिल लगा कर करना और देखना कि आपसे वो चीज़ दूर नहीं जाएगी, ठीक बेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन। तो ये ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स को स्टार्ट करना है, तो उससे पहले हम लोग एक्टिविटी नंबर 6.7 इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ही विजिट अ हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ह्यूमन बींग्स। प्रिय बच्चों अपने आसपास के एक स्वास्थ्य केंद्र का तो आपने भ्रमण किया होगा ना, और उसके साथ ज्ञात भी करना है कि मनुष्यों में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य रेंज क्या होता है, ठीक है ना। ह्यूमन बींग्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य रेंज क्या होता है, तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर मैन की बात किया जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन 13.8 से लेकर के 17.8 ग्राम तक डाइल्यूट होता है, और इसी तरह से अगर वुमेंस की बात किया जाए तो 12.1 से लेकर के 15.1 ग्राम डाइल्यूट होता है। बच्चों में अगर देखा जाए तो 5 से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों में 11.5 ग्राम प्रति डाइल्यूट एंड 12 से 14 वर्ष के बच्चों में 12 ग्राम प्रति डाइल्यूट होता है मध्यमान में, और 2 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को में 12.5 ग्राम प्रति डाइल्यूट होता है, ठीक है। तो ये है आपके किन बच्चों में, पुरुषों में, ठीक है ना, और मनुष्यों में किस तरह से हीमोग्लोबिन का क्या रेंज पाया जाता है। तो इतनी हीमोग्लोबिन्स की मात्रा होनी चाहिए, और अगर हीमोग्लोबिन्स की मात्रा घट जाती है ना बेटा, तो फिर व्यक्ति को जो है कमजोरी, थकान और चक्कर आना ये सब स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी का क्वेश्चन है कि इज इट द सेम फॉर चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स, क्या यह बच्चे और वयस्क के लिए, कि क्या यह चिल्ड्रेन और एडल्ट्स के लिए समान है। तो नहीं बेटा, अभी हमने बता दिया ना सभी का हीमोग्लोबिन का क्या रेंज है, नहीं बेटा ये समान नहीं है। बच्चों में यह हमने बताया कि 11 से लेकर के 16 ग्राम तक डाइल्यूट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी में एक्टिविटी 6.7 का थर्ड देखते हैं कि इज देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल्स फॉर मेन एंड वोमेन, क्या पुरुष और महिलाओं के हीमोग्लोबिन के लेवल में कोई अंतर होता है।
हाँ बेटा होता है, अभी हमने बताया ना कि पुरुष में 13.8 से लेकर के 17.5 ग्राम प्रति डाइल्यूट होता है, और वहीं पे अगर वोमेंस की बात किया जाए तो 12.1 से लेकर 15.1 ग्राम प्रति डाइल्यूट होता है। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि जो पुरुष होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है, और वोमेंस जो होते हैं महिला जो होती हैं उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजिट अ वेटरनरी क्लिनिक इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज इन हीमोग्लोबिन कंटेंट इन एन एनिमल लाइक बुफेलो और क्रो। तो यहाँ पे आपको देखना है कि अपने आसपास एक पशु चिकित्सा, ठीक ना, वेटनरी आपने क्लिनिक का भ्रमण किया होगा, तो उस वहाँ आपको ज्ञात करना है कि पशुओं जैसे भैंस या गाय में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा का सामान्य या जनरल रेंज क्या होता है। ठीक है ना, गाय भैंस में जो भी उनका जनरल रेंज क्या होता है। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बता दूँ कि 10.4 से लेकर के 16.4 ग्राम प्रति डाइल्यूट होता है। ठीक है ना, भैंस गाय या जो भी है इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा का जो रेंज होता है। इन दिस कॉन्टेंट डिफरेंट इन कैल्व्स मेल एंड फीमेल एनिमल्स, आप देख सकते हैं कि क्या यह मात्रा बछड़ों में नर तथा मादा जंतुओं में समान होती है। क्या यह मात्रा बछड़ों में नर तथा मादा जंतुओं में समान होती है? तो इसका हमने भी आपको बताया था पुरुष महिला बच्चे और मवेशी में हीमोग्लोबिन में क्या डिफरेंस होता है। तो आप फिर से ध्यान दीजिए कि पुरुष में हमने बताया था कि 13.8 से लेकर के 17.2, महिला में हमने बताया था 12.1 से लेकर के 15.1, बच्चे में हमने बताया था 11 से 16 ग्राम, एंड मवेशी में बताया था हमने 10.4 से 16.4 ग्राम प्रति डाइल्यूट। ठीक है ना, तो ये हमने आपको क्वेश्चंस बता दिया है। लास्ट एक्टिविटी का क्वेश्चन है कि हाउ वुड द डिफरेंस इफ एनी बी एक्सप्लेन्ड। अच्छा लास्ट से थोड़ा सा और पहले का क्वेश्चन है कि कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। तो नर मेल एंड फीमेल मानव में और जंतुओं में दिखाई देने वाले अंतर की तुलना भी आपको करना है। तो ये मैं तो आपको अंतर की तुलना बता दिया। हाँ, लेकिन इससे पहले वाले प्रश्न का जो मैं आंसर बताया था वो कंपेयर करा दिया था मेल फीमेल ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स में, लेकिन जो थर्ड इससे ऊपर साइड का जो इन दिस कंटेंट डिफरेंट इन कॉल्स मेल एंड फीमेल, जो बछड़ों की बात हो रही थी, बछड़ों में नर मादा में, तो यह समान नहीं होता है। ठीक है ना, बल्कि बछड़ों में क्या होता है, हीमोग्लोबिन अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, बछड़ों में हीमोग्लोबिन अधिक होता है नर और मादा की तुलना में। हाउ द डिफरेंस इफ एनी एक्सप्लेन्ड, यदि कोई अंतर है तो उसे कैसे समझाओगे? तो बता सकते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हीमोग्लोबिन आवश्यक होता है। कार्यों की प्रकृति या कह सकते हैं पुरुष महिलाओं व बच्चों से अधिक परिश्रम करता है, पुरुष जो है महिलाओं व बच्चों से अधिक क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं कि नहीं। तो इसी तरह से आप कह सकते हैं कि वर्क या कार्यों की प्रकृति के विविधता के कारण ही इनमें, चाहे तो वुमेन्स हों चाहे चिल्ड्रेंस हों, ठीक है ना, तो इन सब की अपेक्षा हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है अधिक होती है मेल्स में। ठीक है बेटा, तो ये तो रहा है आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। अब हम लोग जो है नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स की तरफ हम लोग चलते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले
आपको देखना है कि वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज। पिछले सेक्शन में हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि ब्लड जो है फूड ऑक्सीजन तथा अन्य वेस्ट मटेरियल का हमारे शरीर में क्या करता है, वहन करता है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट करता है, वहन करता है। इन क्लास नाइन्थ वी लर्न अबाउट ब्लड विंग्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बेटा क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा था कि व्हाट इज़ अ ब्लड, ब्लड क्या है, ये तो आपको बताया गया था ना कि ब्लड इज ए लिक्विड फूड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रुधिर क्या है, रुधिर एक जो है तरल संयोजी ऊतक होता है, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। याद रखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये पॉइंट्स आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि व्हाट इज ए ब्लड, ब्लड क्या है, ब्लड को आपको बताना पड़ेगा कि ब्लड एक क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। आगे हम लोग ध्यान देते हैं कि ब्लड कॉन्सिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। बेटा रुधिर में, ब्लड में एक तरल माध्यम होता है, ठीक है ना, एक लिक्विड मीडियम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मा कहते हैं ना, ब्लड कॉन्सिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, ठीक है ना। इसमें कोशिकाएं क्या होती हैं, पड़ी हुई होती हैं या सस्पेंडेड होती हैं। बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है बेटा, ठीक है ना, कि ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कॉन्सिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम, ठीक है ना, एक फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोशिकाएं भी सस्पेंडेड होती हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्टेस इन डिजॉल्व फॉर्म। तो बेटा प्लाज्मा फूड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का भी अगर देखा जाए तो ये भी ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट करती हैं। किन किन का ट्रांसपोर्ट करती हैं, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इन डिजॉल्व्ड फॉर्म, ठीक है ना। ऑक्सीजन इज कैरिड बाई द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ऑक्सीजन को कौन सी कोशिकाएं ले जाती हैं, तो ऑक्सीजन इज कैरिड बाई द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स RBC, लाल रुधिर कोशिकाएं ले जाती हैं ऑक्सीजन को, क्योंकि RBC में ही तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं ना, क्या नाम है उसका, हीमोग्लोबिन, ठीक है। मेनी अदर सब्सटेंस लाइक सॉल्ट आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। बहुत से अन्य पदार्थ हैं जैसे साल्ट का वाहन भी ब्लड के द्वारा भी किया जाता है। वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी, अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब टू रीच ऑल द टिश्यूज एंड अ सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि हमें एक पंपन यंत्र की भी आवश्यकता होती है, ठीक है ना, पंपिंग ऑर्गन की आवश्यकता होती है, नीड अ पंपिंग ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है, किस लिए, जो कि ब्लड को ऑर्गन्स के आसपास क्या करे, ढकेल सके, पुश ब्लड अराउंड द बॉडी, ठीक है ना, ब्लड को शरीर के आसपास जो है ढकेल सके, पुश कर सके। ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब टू रीच ऑल द टिश्यू, आप कह सकते हैं कि यह एक तंत्र की जो यह सुनिश्चित करता है, आप कह सकते हैं कि यह ट्यूब के नलियों का एक ऐसा परिपथ होता है नेटवर्क लाइक, जो कि टू रीच ऑल द टिश्यू एंड अ सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क
जो कि यह सुनिश्चित करता है कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट हो जाए, ना कभी कोई डैमेज हो जाए तो उसको क्या किया जाए, मरम्मत हो सके, रिपेयर्ड किया जा सके। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों ने अभी देखा ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही थी, तो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, तो ये वाहन कैसे हो रहा था, तो थोड़ा सा हमने अभी इसका इंट्रोडक्शन प्राप्त किया है। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट ऑफ, लव यू ऑल।